वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं पाकिस्तान से हूँ और भाई हार्दिक पांड्या इतना बदतमीज़ है। अगर मैं होता इंडिया तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जो इसने रोहित शर्मा एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है और रोहित शर्मा भाई हार्दिक पांड्या, अरे तेरे को ये मालूम होना चाहिए, तेरे जैसे वो 10-20-30 इतना बैंक बैलेंस है रोहित शर्मा के पास। तू समझा नहीं तो तेरे जैसे वो यूं चुटकियों में खरीद ले। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा के साथ बदतमीजी की कल के मैच में जो बंबई और गुजरात के दरमियान मैच हुआ, उसमें हार्दिक पांड्या, मुझे तो इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जिस तरह इसने रोहित शर्मा के साथ। अब पाकिस्तान में अगर देख लो भाई फ़खर जमान, और इंडिया में देख लो ये जो रोहित शर्मा, भाई किसी को कुछ नहीं कहते, बहुत ही ज़्यादा शरीफ बंदे हैं। और रोहित शर्मा किसी को कुछ नहीं, हालांकि बंबई MI ने इनको कप्तानी से हटा दिया, यहां पर ये रोहित शर्मा क्या करते हैं, रोहित शर्मा अपना नाम ऑप्शन में डाल सकते हैं। भाई लेजेंड है, क्रिकेट के लेजेंड है रोहित शर्मा, इंडिया के फखर है, हर जो क्रिकेट देखने वाला है ना, हर बंदा का जो है ना फखर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से लोग सीखते हैं, काफी कुछ सीखते हैं। ये हार्दिक पांड्या ने क्या किया, उन्हें बाउंड्री लाइन, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं, जा बाउंड्री लाइन पे खड़ा हो। रोहित शर्मा के साथ ऐसा कर दिया और रोहित शर्मा ऐसे देख रहे हैं, उनको मुंह देख रहे हैं उसके, कि ये मेरे साथ कर रहा क्या है। उसके पीछे था एक विशु के, पता नहीं क्या उसका टिशू जो भी उसका नाम था, मुझे उसका नाम वो देख रहा, हाँ इसने रोहित शर्मा के साथ कर क्या दिया, बाउंड्री लाइन पर भेज दिया। अब रोहित शर्मा इशारा कर रहे हैं कि भाई तू जा उधर। लेकिन ये खुद को, अरे ये हार्दिक पांड्या का पास है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं, रोहित शर्मा लेजेंड है क्रिकेट का, डबल सेंचुरी है जिसके नाम है, और रोहित शर्मा ये चाहता कि इसको पूरे को पूरा खरीद लेता। इस जैसे हार्दिक पांड्या जैसे नरकम्मे और ऐसे जो कि बेइज्जत और बगैरत इंसान जैसों को वो जो है ना खरीद सकता था, वो बिल्कुल भी खरीदने के, इतना बैंक बैलेंस है रोहित शर्मा के पास, हार्दिक पांड्या जैसे तो यूं चुटकी में वो खरीद ले। और इसने जो किया ना कल के मैच में, काफी ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है हार्दिक पांड्या का। मैंने तो जो गुस्सा निकाला है, आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को भी पता चले यार, गुस्सा निकालो इस पर हार्दिक पांड्या का। कप्तानी इसको क्या मिली और ये तो हवा ही नहीं इसकी पकड़ी जा रही, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आप जो बंदा सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, MI को भी पता चल गया कि इसी कैप्टन की वजह, हार्दिक पांड्या की वजह से टीम हारी, पहले जा रहा है बॉल, अब पहला ओवर, अब पहले ओवर में 30 रन पड़े और विकेट भी नहीं मिली, क्या खास खेला इसने, क्या है इसके पास है। और रोहित शर्मा जिसने डबल सेंचुरी, जिसके 3 डबल सेंचुरी, और हार्दिक पांड्या के पास आई थिंक मेरे ख्याल से एक भी सेंचुरी नहीं होगी। अब आपने कल का मैच देखा ही है, आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। टेक केयर।